क्योंकि है हम तो हत है दीवाने सबके, है हम तो हत है जुबाने सबके, है हम तो। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं नया वीडियो बनाने के लिए राजपुरा धाम सरकार, जो मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है। ओनली 30-40 मिनट की रास्ता है, मैं अभी जा रहा हूँ वहीं घूमने के लिए। मैंने सोचा आपके लिए, काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसके लिए सॉरी गाइज, मेरे करीब करीब 10-12 दिन हो गए हैं, 2 वीक समझो ऐसे कुछ हो गया, अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। मैं अभी थोड़े बीमार चल रहा था फिर भी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा आज थोड़ी तबीयत ठीक है तो मैंने आज वीडियो शूट किया और अभी ये अपलोड भी होगा। चलते हैं गाइस, आपको वहाँ का व्यू काफ़ी मस्त व्यू है। वहाँ पे करीब करीब 108 तो वहाँ की मूर्ति है, आपको वो भी सब मूर्ति दिखाएंगे और वहाँ मछलियों के तालाब वो भी दिखाएंगे। कंटिन्यू ये ब्लॉग के साथ, और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते और मैं अभी आ चुका हूँ, काफ़ी आधा ट्रेवल कर लिया है मैंने। अभी मैं MP UP बॉर्डर पे आ चुका हूँ, जो कि आपको इधर बोर्ड वगैरह सब कुछ दिख ही रहा है, देख सकते हैं सीमा समाप्त लिखी हुई। अभी मैं MP में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, जो कि अभी देख सकते हैं आप, इधर MP उधर UP। तो आपको बस यहाँ से ओनली ढाई किलोमीटर ही है। चलते आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते, काफ़ी मस्त व्यू है कटनी ब्लॉक के साथ। हम लोग आ चुके हैं, अभी मेरा दोस्त देख सकते हैं बहुत पीछे गाड़ी वो पार्क में लगा रहा है, क्योंकि अभी लग चुकी है शायद गाड़ी पार्क में, और फिर अपन ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपको फिर यहाँ का भी दिखाते हैं। बस मैं तो अभी आ चुका हूँ, दोस्त भी आ चुका है, ये देख सकते हैं पवन। और आप हाँ लाइक करो फॉलो करो, वो भी तो फ्रेंड कर ही लेंगे, और फिर अपन चलते हैं कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। तो फाइनली अभी हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, देख सकते हैं आप इधर, जो भी प्रसाद ले रहा है, मेरा दोस्त भी प्रसाद लेके ब्लॉग पर कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। फाइनली अपन आ चुके हैं मेन गेट पे राजपुरा के, जो कि आपको दिख रहा है, कैमरामैन दिखा दीजिए, देख सकते हैं आप। यहाँ से अपन करेंगे प्रवेश और आपको फिर दिखाएंगे देवी देवताओं के यहाँ के मंदिर कैसे हैं। फ्रेंड जैसे कि हम लोग आ चुके हैं राजपुरा धाम, जो कि MP में पड़ता है। आज आपको यहाँ पे राजपुरा में हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन करवाएंगे, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं राजपुरा मंदिर के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्ति हैं, काफ़ी सारी मूर्ति मिलेगी देखने के लिए आपको। यहाँ पे शिव जी की भी मूर्ति मिलेगी, काफ़ी ऊंची है, पहली बार आ रहा हूँ मैं, मैंने भी देखा नहीं है फिलहाल कितने फुट की है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए, जो कि MP में पड़ता है राजपुरा धाम। यहाँ पे देखिए आप कितनी सारी मूर्ति हैं, इतनी सारी तुलसीदास, हर एक भगवान की मिलेगी, विष्णु भगवान, हर एक भगवान की यहाँ मूर्ति मिलेगी। शिव जी की भी काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और कट करो ना वीडियो, रोको फ्रेंड। हम चल रहे हैं मंदिर की ओर धीरे धीरे, जैसे कि इधर मूर्ति भी है शिव जी की, आप देख सकते हैं, और दर्शन आपको हम रिटर्न में कराएंगे, अभी फिलहाल दिखा रहे हैं ओनली। आइए आप और दर्शन कराएंगे अभी। इधर मंदिर भी हैं काफ़ी छोटे छोटे, जो मेन मंदिर है यहाँ का, जो काफ़ी पुराना मंदिर है, सबसे पहले उसके दर्शन कराएंगे हम आप लोगों के। फाइनली अपन आ चुके हैं मंदिर पे, जो कि आपको मंदिर देख ही रहा है, और मैं अभी आते आते मंदिर पर इतना लेट हो चुका हूँ वीडियो के चक्कर में गाइस, क्योंकि अभी मंदिर के जो पार्ट है वो भी बंद हो चुका है। अब शाम के 7 बजे ओपन होगा, क्योंकि उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा है 7:20 पे ओपन होगा, ओनली आरती होगी। तो आपको वहाँ देखते हैं और आपको वो दिखाते हैं कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। तो फाइनली अभी हम लोग चढ़ा रहे हैं प्रसाद, देख सकते हैं, जो कि वहाँ से प्रसाद लिया था वही प्रसाद है यहाँ पे, जो कि काफ़ी मस्त प्रसाद लिया था हम लोगों ने। ओनली बहुत बार बहुत पहले आए थे वहाँ से, जब से आए नहीं तो मैंने सोचा अच्छा फिर प्रसाद लें, देख सकते हैं आप, मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है जो भी यहाँ पे रखा था, और उसमें रख दिया अपन ने। तो फाइनली हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया है, जो कि आप और आप वहाँ का व्यू दिखाते हैं। सामने एक मंदिर और है, देख सकते हैं आप, काफ़ी मस्त मंदिर है वो, और चलते हैं आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस आप इधर, जो कि हमारे हनुमान जी महाराज हैं, काफ़ी मस्त मूर्ति है, कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए, काफ़ी मस्त मूर्ति है जो कि आपको देखने के लिए मिली रही है। तो चलते हैं आपको और व्यू दिखाते हैं यहाँ। तो फाइनली आपने उस मंदिर का व्यू देख लिया है, और इस मंदिर का भी आपको व्यू दिखा रहे हैं,
देख सकते हैं गाइस इधर कितना मस्त। मैं पहले भी इस वीडियो में गाइस बोल दिया है, मैं आते आते इतना लेट हो चुका हूँ कि बंदर का ए बी पार्ट बंद हो चुका है। फाइनली अभी 7:20 को ओपन होगा, दोनों अपन वेट करेंगे, उसके बाद फिर अपन को ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ब्लॉग कंटिन्यू तो गाइस अभी भी है, पहले थोड़ा अपन पर्सा चला लेते हैं। तो फाइनली जो अभी आपको वहाँ पे गेट दिख रहे हैं वो पूरा चांदी का गेट बना हुआ है, पूरा चांदी का गेट बना हुआ है, देख सकते हैं। कैमरा मैन थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, पूरा चांदी का गेट है। और चलते हैं आपको और भी व्यू दिखाते हैं। फ्रेंड हम लोग दे रहे हैं अभी मंदिर के परिक्रमा, तो विकास भी मेरे साथ है पीछे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, काफ़ी सारी भीड़ है उधर तालाब पे, बहुत सारी भीड़ है उधर। हम दिखाएंगे काफ़ी सारे वक्त है मंदिर पे, बहुत सारे वक्त मिलेंगे आपको देखने के लिए। अभी परिक्रमा दे रहे हैं, अभी आपको और दर्शन कराएंगे, शिव जी के दर्शन कराएंगे, काफ़ी सारी मूर्तियों के दर्शन कराएंगे। इधर देखिए कितने सारे भक्त खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं आता हो, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं अब हवन कुंडी की ओर। हवन कुंडी के दर्शन कराएंगे, फिर उधर से देवी देवताओं के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। ये देखिए यहाँ का हवन कुंड, और यहाँ से हमारे तिरुपति बालाजी सरकार हैं, देखिए ये हैं हमारे तिरुपति बालाजी सरकार, जो कि विकास दर्शन कर रहे हैं उनके। बहुत अच्छा काफ़ी हैं बद्री विशाल जी, ये बद्री विशाल जी का मंदिर है देखिएगा। ये देखिए पुष्करणी, जो कि काफ़ी अच्छा तालाब है, यहाँ पे बहुत सारी फिश है। ये फुब्बारा दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिश भी काफ़ी है, देखिएगा फिश दिखाएं आपको। वाव, इसका पानी ग्रीन क्यों है मुझे मालूम नहीं है, कोई कमेंट में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इसका पानी क्यों ग्रीन है मुझे मालूम नहीं है। अगर किसी को मालूम है पानी क्यों ग्रीन है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये देखिए हमारा रावतपुरा धाम, जो कि काफी अच्छा और सुंदर और खूबसूरत, क्या और क्या बोले। फाइनली हम आ चुके हैं महादेव के मूर्ति के पास, जो कि इधर इनका तो मुझे नाम से आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इधर दिखा देता हूँ महादेव का मंदिर। ऐसी हो है और इधर देख लीजिए आप महादेव की मूर्ति, काफी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे। जमाने से जमाना है हमारे। फाइनली आपने देख ही लिया है महादेव की शिव की मूर्ति, काफी मस्त मैंने आपको व्यू दिखाया है, और आपको घुमा के भी कैमरा दिखा देता हूँ। इधर तक देख सकते हैं आप कितना मस्त गार्डन और कितना मस्त यहाँ पे मूर्ति है, नंदी बाबा की मूर्ति है। पहले मुझे नाम मालूम नहीं था लेकिन अब नाम मालूम पड़ गया है, नंदी बाबा बोलते हैं इसको। और फाइनली वहां से आपने महादेव का मूर्ति का वो दर्शन कर लिया होगा, और आपकी काफी मस्त व्यू आया होगा। और मैं अभी आ चुका हूँ झूलों पर, पूरी यहाँ पे भी एंजॉय मस्ती करेंगे, तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, चलते कंटिन्यू ब्लॉग के साथ। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है।